खाने के शौकीनों कैसे हैं? हमेशा मुस्कुराते रहना और हमारे वीडियो को देखते रहना। अच्छा लगे तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना। आज हम आपके लिए लाए हैं 2 रेसिपी, एक छल्लेदार प्याज के पकौड़े और दूसरा प्याज के पकौड़े, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और स्वादिष्ट है। कैसे बनाते हैं फ्रेंड, चलते हैं। बनाने से पहले फ्रेंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो हमारे नए फ्रेंड बने हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। रेसिपी हमारी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फैमिली मेम्बर्स में और फ्रेंड सर्कल में प्लीज। फ्रेंड्स, एक बड़ी प्याज लेंगे, उसको छील के साफ कर लेंगे और प्याज की एक लेयर को हम हटा देंगे। फिर हम इसको गोल गोल में काटेंगे और फ्रेंड इसको पतला नहीं काटना है, थोड़ा सा मोटा काटेंगे। इस तरह से काटेंगे। अब हम इनको अलग अलग कर लेंगे, रिंग निकाल लेंगे। इसे छल्ले बनाना है तो इसको सारे एक एक करके अलग कर देंगे। इस तरह से सभी कर लेंगे। हमने एक बड़ी कटोरी बेसन लिया है, अब इसमें मसाले डालेंगे। अब इसमें नमक डालें, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और क्वांटिटी के हिसाब से डालें। अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, आधी चम्मच। अब हम इसमें 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे, चिली फ्लेक्स नहीं हो तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसमें 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे, 2-3 हरी मिर्ची जिनको हमने बारीक काट लिया है इसमें मिक्स कर देंगे। फिर इसमें थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, धनिया डालें, धनिया तो बहुत ज़रूरी होता है। इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला भी डालेंगे। फिर पानी डाल के इसको अच्छा सा बैटर तैयार कर लें। बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना। अब इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। इस तरह से बैटर तैयार हो जाना चाहिए। अब हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे और ऑयल डालेंगे। ऑयल जब गर्म होने लगे तब हम इसमें पकौड़े तलेंगे। तो एक रिंग उठाई प्याज की और बेसन में डिप कर दें, बेसन में अच्छे से डिप करें और फिर हम गरम तेल में छोड़ देंगे। इसी तरीके से हम और भी बना लेंगे। बेसन अच्छे से लपेटना चाहिए जिससे ये क्रिस्पी बने और बहुत टेस्टी लगती है। गैस को सिम ही रखें। अब हम इसे पलट देंगे। ये अब अच्छे से सिक गए हैं, इनको निकाल लें। इसी तरह से हम और भी बना लेंगे। अब हमारी दूसरी रेसिपी है, प्याज को हमने लंबा लंबा काट लिया और इसको धो लेंगे जिससे इसकी पूरी लेयर खुल जाए। इस तरह से पूरी लेयर खोल लें, इसको मसल लें अच्छे से तो ये अलग अलग हो जाएगा। इस बेसन में हम हरी प्याज और मिला देंगे। अब इसमें जो काटी प्याज है वो सारे इसमें मिक्स कर देंगे और इसको अच्छे से मिला लें। इसमें हरी प्याज डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डालें, ऑप्शनल है। अब इसको थोड़ा सा लेंगे और गरम कढ़ाई में छोड़ देंगे। कढ़ाई में हम उतने ही पकौड़े डालेंगे जिससे ये चलाने में आसानी रहे। गैस को हम पहले फुल रखेंगे, फिर बाद में हम सिम कर देंगे जिससे ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए और क्रिस्पी हो जाए। ये पकौड़े बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। गर्मा गर्म चाय के साथ और पकौड़े, फिर तो मज़ा आ जाए खाने में। आप खुद बनाइए और दूसरों को भी खिलाइए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब हम इसको पलट देंगे। देखो बट कितने अच्छे सिक गए हैं, कितना अच्छा कलर आ रहा है और ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। कलर से पता चल जाता है कितने क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम और भी बनाएंगे। ये बहुत आसानी से बन जाते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होती है, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता है। लीजिए फ्रेंड्स, पकौड़े तैयार हैं और खा के बताइए एक कैसे बने हैं। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट्स के द्वारा बताइए। थैंक यू।